दोस्तों, केमिकल पेस्टिसाइड्स के बेइंतहा इस्तेमाल से हमारे पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को जो झटका लगा है, ब्लैक थ्रिप्स उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। साउथ इंडिया से लेकर सेंट्रल इंडिया में ब्लैक थ्रिप्स ने मिर्च व शिमला मिर्च की फसल पर जो तबाही मचाई है, वो किसी से भी छुपी नहीं है। ये इंसेक्ट किस तरह से साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और अब नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाकर ज़रूर चेकआउट करें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हमें अच्छा लगेगा। दोस्तों, इस इंसेक्ट ने किसानों की फसल में 70 से लेकर 100% तक लॉस किया है और नतीजा मिर्च के हाई रेट्स। अगर आप किसी नॉन फार्मिंग फैमिली से ताल्लुक रखते हैं तो सोच रहे होंगे कि इस वीडियो से मेरा क्या लेना देना। तो मेरे भाई, लेना देना है, क्योंकि सब्जी के साथ मिर्च तो आप भी खाते हैं और इस इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए फार्मर्स किस हद तक पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है। फार्मर्स का यहाँ तक कहना है कि ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 7 से लेकर 10 अलग अलग टेक्निकल्स का इस्तेमाल भी किया है, पर रिजल्ट्स काबिले गौर बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, इस इंसेक्ट के कंट्रोल ना होने के पीछे बड़ी वजह है इसकी फीडिंग हैबिट एंड फीडिंग साइट। ये छोटा सा इंसेक्ट जिसे नंगी आंखों से देख पाना भी बेहद मुश्किल है, पौधों के फ्लावरिंग पार्ट्स में छुपकर फीड करता है। और क्योंकि ये फ्लावर के पार्ट्स में छिपकर फीड करता है तो वहाँ पर किसी केमिकल का पहुँचना मुश्किल होता है, जिससे इस इंसेक्ट का कंट्रोल भी मुश्किल है। दोस्तों, फूल के पार्ट्स बहुत नाजुक होते हैं और अगर इस पर कोई हार्ड केमिकल यूज किया जाए तो फ्लावर के वाइटल पार्ट्स को प्रॉब्लम हो सकती है, या तो वो बर्न हो सकते हैं, जिससे किसान का प्रोडक्शन ऐसे ही कम हो जाएगा। तो दोस्तों, सवाल तो अभी भी यही है कि इसे फिर कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें अपने बेसिक्स की तरफ जाना पड़ेगा और हमें IPM प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें हम आपको रिकमेंड करेंगे स्टिकी ट्रैप्स। दोस्तों, स्टिकी ट्रैप एक ऐसा ट्रैप होता है जिसके दोनों सरफेस पर ग्लू यानी चिपचिपा पदार्थ लगा होता है। इसका रंग पीला या डार्क ब्लू होता है और ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इंसेक्ट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हों। जब इंसेक्ट इसके नज़दीक आता है तो वो इस पे चिपक जाता है और मर जाता है। दोस्तों, इंसेक्ट्स की जो रिप्रोडक्शन रेट है वो काफ़ी तेज होती है, जिससे इनकी पॉपुलेशन बेहद तेज रफ्तार से बढ़ती है। अगर इनकी पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा भी इन ट्रैप्स पर चिपक जाए तो इनकी नेक्स्ट जनरेशन को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी फसल में इस हद तक डैमेज को बचा सकते हैं। दोस्तों, सकिंग पेस्ट यानी रस चूसने वाले कीड़ों पर स्टिकी ट्रैप्स के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। आप इनका इस्तेमाल पॉली हाउस, नेट हाउस और ओपन फील्ड कंडीशंस में हर जगह कर सकते हैं, जहां एक तरफ ये इंसेक्ट्स को किल करने में हमारी हेल्प करता है, वहीं दूसरी तरफ ये हमें अर्ली इंडिकेशन देता है कि कौन सा इंसेक्ट किस मंथ में ज़्यादा एक्टिव होता है, और इंसेक्ट मॉनिटरिंग व सर्विलांस में हमारी काफ़ी मदद करता है। अगर ब्लैक थ्रिप्स जैसे खतरनाक इंसेक्ट्स का भी हमें टाइम से पता चल जाए तो हम इनका कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं और अपनी फसलों को इस हद तक होने वाले डैमेज से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप घर बैठे स्टिकी ट्रैप्स खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर परचेज कर सकते हैं। वीडियो और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी फैमिली को आप बड़ा रूप दे सकते हैं।